अभी हमारे पास ये कौन सा केवल है आप सोच रहे होंगे ना, तो चलो आपको केट सिक्स लाइन केवल तो अंदर डाल दिए। और तो देखिए अभी केबल को हम लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं और आप देखिए दोस्तों यहाँ पर स्प्रिंग हम लोग इसके अंदर डालते हैं। और ये कहा हाय एवरीवन, एक और नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों, और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रिशियन चैनल। तो दोस्तों आज की टॉपिक में आपको बताने वाले हैं जो केट सिक्स है हम लोग किस तरीके से अंडरग्राउंड करेंगे और डिक्स वाला वायर हमारा जलता है RJ6 चलने वाले हैं। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आपको पूरा डिटेल बताएंगे कैसे हम लोग लाइन केबल हम लोग डालने वाले हैं, केट सिक्स जो इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है, और फाइबर केबल कैसे डालेंगे, राउटर का कहाँ सेटअप करेंगे, हम आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तो काफ़ी लोग हमारे भाई लोग पूछ रहे थे सर आप डिक्स वायर कैसे डालते हो, टाटा स्काई का जैसा केबल किस तरीके से डाला जाता है, जैसे कि हमारा इंटरनेट का केबल कैसे डालते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल बताने वाले। वीडियो भी नहीं आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसा सेलेक्टेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों जिस साइड पे हम लोग खड़े हैं ना, वहीं पर हम लोग जो है इंटरनेट का वायर डालने वाले हैं केट सिक्स। और हमारे को एक और वायर डालना है, कौन सा, जो छत्ती के लिए हम लोग डालते हैं ना, टाटा स्काई होगी या डिक्स के लिए। तो दोनों ऑप्शन हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो RJ6 के केबल है और ये केट सिक्स डलेगा, दोनों एक साथ डलेगा। तो कैसे डलेगा चलो आपको बताते हैं। ये देखिए अभी पहले हम लोग जिस बिल्डिंग पर हाउस वायरिंग कर रहे थे ना, उसी बिल्डिंग पर आप देख सकते हो यहाँ पर टेली बंधा हुआ है। यहाँ देखिए जिप्सन बोर्ड लग रहा था और एक छोटा सा गलती भी हो गया था, आपको बता देता हूँ। जिप्सन बोर्ड लगना चालू हो चुका था, ठीक है। और हम लोग का जो इंटरनेट का वायर है, अभी तक हम लोग केट सिक्स डाले नहीं थे ना, डिक्स का वायर नहीं डाले थे। तो फिर इसको मना करवा के और अभी हम लोग इसके लिए हर रूम पे ना लाइन केबल लेके जाना है केट सिक्स, और डिक्स का वायर भी लेके जाना है, ठीक है, RJ6 और भी लेके जाना है। तो हर रूम पे दो वायर जाएगा जरूर। तो हमारे पास यहाँ पर तीन रूम, तो तीन में जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर होल भी है, होल पे भी जा रहा है, ठीक है। तो होल पे भी वहाँ पर देखिए इस रूम पे हमारे को ये टीवी एरिया है सेंटर में, और आपको कंड्यूट पाइप दो देखने को मिलेगा। तो एक कंड्यूट पाइप क्या करेंगे आप सोच रहे थे ना, तो चलो आपको बता ही देती। इसी कंड्यूट पाइप पर हम लोग लाने वाले हैं केट सिक्स वायर और RJ6, ठीक है। तो हम लोग जो इसी कंड्यूट पर लेके आएंगे, और ये देखिए यहाँ पर जिप्सन बोर्ड लगना चालू हो चुका था, एक छोटा सा गलती हो रहा था। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लानिंग करेंगे कहाँ पर कहाँ जाएगा ये रूम। देखिए दूसरा नंबर का रूम है और वहाँ पर बच्चे लोग का रूम है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का भी है। तो ये सभी जगह का जो है केट सिक्स वायर कहाँ आएगा आप सोच रहे होंगे, तो चलो आपको बता ही देते हैं कहाँ पर ये आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक बोर्ड देखने को मिल रहा होगा जो सिक्स मॉडलर का, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक स्विच बोर्ड देखने को मिल रहा है, यहीं पर हम लोग राउटर भी रखने वाले हैं। तो राउटर रखने के पहले हम लोग सबका वायर जो है लेके आना पड़ेगा, नहीं तो ये जिप्सन जब हमारा फॉल सीलिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, बार में क्या होता है आप देखिए स्क्रीन पे देखिए, इस तरीके से काजू क्लिप से ना ऐसा वॉल पे ठोक देते हैं ना, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को कस्टमर को बोल देना है हम लोग को केबल वायर जो है हम लोग को अंडरग्राउंड करना है, उसका चार्जेस अलग से हम लोग ले लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग जो है केबल यहीं पर सेटअप करने वाले हैं। ये सब कुछ ना पहले से वॉल कटिंग होता है ना, प्लानिंग कर लेना है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर का भी है हमारे पास सेटअप, देख रहा हूँ जिस जगह पे हमारा जो उंगली हाथ जा रहा है उधर हमारा एक प्लानिंग है, वो वहाँ से यहाँ तक हमारा वायर चले जाएगा केट सिक्स। और जहाँ पर राउटर कहाँ लगाना है वो भी हम डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ लगाना है। तो इस जगह पर ज़्यादा तो काम रहेगा ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा, तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर राउटर बैठाएंगे, ठीक है। तो चलो इसके लिए हम लोग केबल कौन सा यूज करेंगे चलो आपको बताते हैं। तो चलो दोस्तों आपको दिखाते हैं केबल कौन सा हम लोग यूज करें, कौन सा कंपनी का डालने वाले हैं और किस क्वालिटी का है। तो चलो आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास दो केबल देखने को मिल रहा होगा, एक है हमारा केट सिक्स इंटरनेट का केबल है, और ये देख सकते हो कौन सा कंपनी का, आप देख सकते हो डीलिंग का है, ठीक है। और नीचे में एक केबल आपको देखने को मिल रहा है हेवेल्स का ब्रांड देखने को मिल रहा होगा, स्काई के लिए सॉरी, और ये RJ6 है, ठीक है, 06। और ये जो है हमारा हेवेल्स कंपनी का है, और आपको बता देता हूँ इसका मीटर कितना होगा, आपको सोच रहे होंगे ना इतना बड़ा, तो ये 305 मीटर करीब होगा मेंशन किया होगा। और इंटरनेट का जो केबल है हमारा केट सिक्स जो है ये भी कितने मीटर का होगा आप सोच रहे होंगे ना, तो ये भी बता देता हूँ करीब। तो दिखाते हैं आपको इसका जो है कितने मीटर है आपको दिखा देते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये भी हमारा 305 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों 305 मीटर का केबल है, और चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं।
और इसका देखिए यहाँ पर आपको, आप बोल रहे थे आउटडोर होगा तो इंडोर होगा, आप सोच रहे हो ना ये केबल, तो मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा जो है इंडोर है, ठीक है। आउटडोर के लिए काफ़ी हेवी आता है इससे, और इलेक्ट्रिशियन लोग का तो काम नहीं है ये, वाईफाई वाले लोग का काम है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग को इंटरनेट वायर डालना आता है तो ज़रूर डालिए। और आपको बता देता हूँ ये जो जितना भी वायर डलेगा ये अलग से कंड्यूट पाइप में डलेगा, कोई भी हमारे इलेक्ट्रिकल वायर से नहीं जाने वाला। क्यों आपको बता देता हूँ क्यों नहीं जाएगा, ये हमारा जो फ्लक्चुलेट होता है ना, जो हमारा जो जैसे कि केबल से हमारे को करेंट फ्लो होता है तो मैग्नेट बनेगा, तो इसके साथ बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं तो हमारा लॉस हो जाएगा, इंटरनेट लॉस होगा, जैसे कि जितना MBPS स्पीड चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको। तो इसका अलग से कंड्यूट पाइप डालना है, और इसका चार्जेस हम आपको बता देते हैं। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, कितने चार्ज लेंगे और क्या प्राइस लेते हैं, कैसा तरीके से इसको हम लोग डालेंगे, इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आपको डिटेल में बताएंगे। चलो तो देखिए दोस्तों, आपको केबल दिखा देता हूँ कितने वायर रहता है 86 पे। यहाँ पर टोटल 8 वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है, दो दो वायर आप देख सकते हो यहाँ पर। और इससे हम लोग क्या क्या चला सकते हैं आपको बता देता हूँ, ये इसमें कैमरे भी चला सकते हैं, ठीक है। जो IP कैमरा रहता है इससे हम लोग आराम से चला सकते हैं, क्योंकि उसको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए रहता है, तो ये इंटरनेट जो हमारा जो इसमें चले जाएगा। इंटरनेट नहीं, इंटरनेट बोला जाता है, फिर इंटरनेट सुनाई दे रहा होगा क्योंकि इंटरनेट हम लोग बोल बोल के आदत हो गया, इसीलिए हम लोग इंटरनेट बोल दे रहे हैं, इंटरनेट होता है। फिर ये देख केबल पे हमारा जो है इंटरनेट जो केबल जाएगा यहाँ पर K6 से राउटर से डायरेक्ट हर TV यूनिट पे। चलो उसका हम लोग प्लानिंग करते हैं और आपको बताएंगे कैसे कर रहे हैं अपन। तो ये जो केबल है आपको यहाँ पर मेंशन दिखाई दे रहा होगा, हेवेल्स कंपनी का ब्रांड है और RG6 है, और ये हमारा जो है केबल कॉपर का है, एल्युमिनियम आप सोच रहे होंगे ना। तो आपको कैसा लग रहा है, चलो आपको दिखाई देते हैं छिल के। इसको हम लोग को भी कॉपर ही लगाना है, एल्युमिनियम बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। ये छिल के आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये कॉपर का वायर है, और ये ऊपर में हमारा जो है नॉर्मल वायर है, ठीक है, ये अपना अर्थिंग के लिए, और ये कॉपर का वायर है। तो ये कॉपर ही का वायर यूज करना है, नॉर्मल वायर नहीं करना है, ठीक है। और काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये केबल, तो चलो इसका प्लानिंग करते हैं और इसको अंडरग्राउंड डालते हैं अभी। तो देखिए इस रूम पे हम लोग जो है अभी केबल डालने वाले हैं। जो केबल कहाँ आएगा आपको दिखा देते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो है यहाँ से हमारा केबल जो है इस जगह आएगा। मेरे को तो ये हाइट कम लग रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दो कंड्यूट पाइप, एक कंड्यूट पाइप खाली होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक कंड्यूट पाइप में हमारा वायर है और एक कंड्यूट पाइप पे हमारा जो केबल आएगा, ठीक है, K6 केबल और डिक्स केबल आएगा। और देखिए हमारे साथ क्या हुआ है, एक घटना हो गया है। हम लोग दो दिन हम लोग नया साइट पर नहीं आए ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जिप्सन बोर्ड पैक कर दिया गया है फॉल्स सीलिंग वाले ने। तो उनको क्या है, बाहर से काम करने आते हैं, उन लोग को जल्दी रहता है और फटाफट काम करके निकलना रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास केबल भी कुछ नहीं आया था, तो ये जो है प्रॉब्लम हो गया। तो इसको फिर से हम लोग को खोलना पड़ेगा, नहीं तो उनको बुलाते हैं और इसको खुलवाएंगे, और काफ़ी डेंजर रहता है, सीट जब खुलता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग चलो खोल लेते हैं इसको। तो देखिए अभी जिप्सन बोर्ड को हम लोग को खोलने वाले हैं, क्योंकि फॉल सीलिंग वाले लोग आए नहीं, तो हम लोग को खोलना है, ठीक है। हो गया, खुल गया। तो चलो ये जिप्सन बोर्ड खुल गया फाइनली, और इसको क्या करना है, तेज को सिर के ऊपर बहाते हैं और इसको नीचे लेके जाएंगे, और वायर लोग को सबको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग क्यों सोच रहे होंगे ना सीट को क्यों खोला गया, तो देखिए यहाँ पर है हमारा कंड्यूट पाइप, ये छत पे हमारा जो है ऊपर गया है, जो हमारा केबल के लिए जाएगा, ठीक। और देखिए अभी कंड्यूट पाइप ले आएंगे, इसका जो एक पाइप है ऊपर में यहाँ पर जिप्सन बोर्ड के अंदर है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो अंदर से हम लोग लेके जाएंगे और इसको डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा तेज काम कर रहा है कंड्यूट पाइप बिछाने का, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग बाकी कंड्यूट पाइप सब जगह डाल देते हैं। और ये देखिए हमारे पास एक जैक्सन है, उसको जैक्सन को वहाँ पर फिटिंग करना है, क्योंकि हमारा कंड्यूट पाइप। तो देखिए दोस्तों यहाँ का भी सीट बाहर कर दिए, और उसके बाद हम लोग को इस रूम से उधर होल मार के लेके जाना है, क्योंकि उस रूम का जो हमारा जो है RG6 जो हमारा जो आएगा कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट दिन आए और अभी देखिए छत पे हम लोग, और छत पे आपको दिखाते हैं यहाँ पर कंड्यूट पाइप 3 निकला हुआ है, ठीक है। तो ये 3 क्या क्या काम आएगा आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो है डिस्क का वायर है, जो टाटा केबल जो है हमारा RJ6, तो ये क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग डालेंगे और इसको मेजरमेंट लेंगे। जो पहले वाले रूम पे स्टार्टिंग किए थे ना, वहीं पर हम लोग को मेजरमेंट लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्प्रिंग हम लोग इसके अंदर डालते हैं और ये कहाँ पर निकलेगा पता है आपको, निकलेगा और चलो आपको दिखाते हैं। ये छत पे थे हम लोग, ठीक है, इस तरीके से अंदर डालना है और इसको सबसे पहले मेजरमेंट लेना है, ठीक है। चलो आइए आपको। तो देखिए ये केबल आ गया, ठीक है, जो छत तक आया। और इसको हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, ये जाएगा अपना फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, इसको घीच। तो देखिए दोस्तों हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर पे आए और ये ग्राउंड फ्लोर पे देखिए यहाँ पर हमारा डिस्क वायर आ रहा है अभी। तो देखिए हमारा वायर पहुँच रहा है, ये आप देख सकते हो। और इसको क्या करना है आपको पता है, ये वाला जो मेजरमेंट है ये इस वाले वॉल पे जाएगा, यहाँ पर टीवी यूनिट है। तो देखिए दोस्तों ये वायर जो है हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं कहाँ से, हमारा टीवी यूनिट यहाँ रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पूरा नीचे तक हम लोग को करीब 1 मीटर करीब छोड़ देना है, ठीक है। होता तो तेज होता, बस बस यहाँ देखते हैं कितना मीटर हो रहा है। ये देखिए ये करीब ऐसा फ्लोर से करीब 1 मीटर एक्स्ट्रा छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ताकि कहीं भी इधर इधर चले जाए। तो ये फाइनल हो गया ये मेजरमेंट। और इसको क्या करेंगे, इसको मार्किंग कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे छत से हम लोग को रिटर्न निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छत पे हम लोग आ गए और इसको मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो ये कहाँ रहेगा हम लोग को तभी भी 100% पता नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर वायर जो है हल्का सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है, जैसे कि वहाँ तक घींच दे था पूरा नीचे रे ले ले। तो देखिए दोस्तों मेजरमेंट हो गया और इसको कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर करीब 10 से 12 मीटर एक्स्ट्रा निकाल दें आप, देखिए। और इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको रिटर्न भी लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें हम लोग लिख लेते हैं रूम 2, ये रूम 2 का है, तो रूम 2 यहाँ पर मार्किंग कर देते ताकि ढूंढना मत पड़े। तो देखिए दोस्तों मेजरमेंट ले लिए, उसके बाद हम लोग KET6 डालने वाले, जो इंटरनेट का वायर वो भी टीवी यूनिट पे जाएगा, ठीक है। तो अभी तेज डालेगा वहाँ से डायरेक्ट वहाँ निकलेगा। और ये जो है हमारा, तो देखिए ये जो हमारा तेज जो है यहाँ पर हमारा जो वायर पुश कर रहा है ये कंड्यूट पाइप में आने वाला है, तो डाल पा। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, कैमरामैन फोकस करो। देखिए यहाँ पर हमारा वायर आ चुका है, आप देख सकते हो ये वायर आ गया, मतलब इसमें हमारा जो है क्या आएगा आपको पता है, इसमें वायर आएगा हमारा लाइन केबल और ये डिस्क वायर, ठीक है। उधर जा पुश कर पहले खींच उसको, ये देखिए वायर आ गया। और हम लोग को रखना कितना मीटर है पता है आपको, यहाँ पर हम लोग को रखना है 2-3 मीटर एक्स्ट्रा, क्योंकि टीवी यूनिट को काफ़ी ज़्यादा जगह हमारा डिस्टेंस है गलत हो जाता है। तो ये करीब 2.5 मीटर नहीं तो 3 मीटर यहाँ पर रख ही देना है फाइनल, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर 3 मीटर करीब है, देखिए 1, 2 और 3, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग ये डिस्क का वायर तो मेजरमेंट कर दिए छत्ते का, अभी हम लोग का KET6 का वायर मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो ये कैसा होगा चलो आपको बताते हैं। ये देख रहे हो ये जितना लंबे है ना आपको, ये जो है तेज पकड़ा वहां से हम लोग को लेना है यहाँ पर, आइए कैमरा में खोलो। ठीक है यहाँ पर राउटर रहेगा, तो राउटर की जगह पे हम लोग इसको मेजरमेंट लेना है, कितना नाप है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, और इसको पूरा ये जमीन तक रखना है ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर कटिंग कर सके। तो चलो यहाँ पर हम लोग कटिंग कर लेते हैं जो हमारा लाइन केबल को, और इसमें भी हम लोग को लिखना है, मार्किंग करना है, ठीक है, ताकि पता चले वाईफाई वाले को। देखिए अभी हमारे पास और एक डिस्क का केबल है और ये हमारा KET6 वायर है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा पता है, ये अपने जा रहा है फर्स्ट वाले रूम पे, ये फर्स्ट वाले रूम पे यहाँ पर हम लोग डालने वाले हैं। इसको हल्का सा पुश करते हैं टेप ही लगा के। तो देखिए यहाँ से हम लोग प्रेस कर रहे हैं और अभी जाएगा तेज लोग के पास उस रूम, पहले वाले रूम पे। चलो आपको दिखाते हैं पहले वाले रूम पे, देखिए यहाँ पर ये जाएगा डायरेक्ट अपना डिस्क मतलब टीवी कैबिनेट में जाएगा डायरेक्ट।
तो देखिए यहाँ पर जो टीवी यूनिट है, जो बेंड खाली पड़ा है ना, उसी में हमारा केट सिक्स वायर और ये डिस्क का वायर आएगा। देखिए वायर पहुँच चुका है और यहाँ पर आपको पता है ना, यहाँ पर 2 से 3 मीटर रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये केबल आ गया और केबल को क्या करेंगे, सिंपल ऐसा रोल करेंगे और टेप लगा के यहाँ पर फाइनल करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से रोल कर दिए और ये जो हमारा रूम 1 का है, मास्टर बेडरूम का है, तो इस रूम पे फिर से रिटर्न आ गया और यहाँ पर मेजरमेंट करने हम लोग, ये जो हमारा लाइन केबल 2 हो गया अभी देखिए यहाँ पर, तो इसको हम लोग मास्टर बेडरूम का है 1 कर देते हैं, मार्किंग कर। तो देखिए यहाँ पर हमारा RG6 जो है 1 और ये 2 जो छत्ते का वायर है वो पहुँच गया, ठीक है, मेजरमेंट हो गया और ये यहाँ से डायरेक्ट हमारा जो छत पे जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आपको पता है, यहाँ पर जितने भी रूम का है केट 6 वायर और डिस्क का वायर, जितना भी वायर है सभी को लेके आना है। और ये देख सकते हो यहाँ पर केट 6 वायर यहाँ पर 3 बन चुका है, एक हमारा इनपुट है फर्स्ट फ्लोर का और 2 हमारा रूम का है 1 और 2 का, ठीक है। ऐसा हम लोग का बहुत सारे जगह का हमारा पॉइंट है, इस रूम पे जाएगा बच्चे लोग का रूम का, तो इस रूम पे हम लोग को जो है टीवी यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंड्यूट पाइप काफ़ी सारा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ये कंड्यूट पाइप पे हम लोग का जाएगा कहाँ पर, डिस्क वायर पे जा रहा है, उसके बाद लाइन केबल भी जाएगा इस। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है डिस्क वायर केबल जो है जाएगा कहाँ पर, उस रूम पर जाएगा, ठीक है। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो देखिए मुकेश के पास आएगा केबल, ठीक है। तो देखिए केबल आ गया और इसी के साथ मेजरमेंट करना है, ताली ऑटोमेटिक ये मेजरमेंट निकल जाएगा। देखिए तीसरे नंबर का रूम हो गया, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर होल का लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो होल का देखिए हमारा लाइन केबल और ये हमारा इसके छत्ते का वायर और ये देखिए केबल पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग को बाहर करना है और यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट लेके जाना है वहाँ। देख रहे हो बाला क्या कर रहा है, क्या बनाया रे, गाड़ी चक्का ही है। तो ये जो है केबल में ऐसा कंपनी से मिलता है, इससे क्या होता है, और ये केबल जाएगा उधर और ये मेजरमेंट कर लेते हैं डिस्क का, उसके बाद केट 6 का नंबर आएगा, होल का है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर होल का भी आ गया, होल का भी राउंड करके अभी रख दी, यहाँ पर फॉल्स लिंग होगा तो इधर से हमारा ट्रांसफर होके यहाँ पर होल पे चले जाएगा, ठीक है। और इस रूम का एक और लाइन केबल बच गया है, उसके बाद ये दोनों ये वायर जो है वहाँ टीवी यूनिट पे चले जाएगा। और हर रूम पे मास्टर मतलब बेडरूम से कहीं भी रहा है तो बेडरूम लोग में हर में टीवी यूनिट लग रहा है, वो भी टीवी के सेंटर मतलब बेड का सेंटर में टीवी यूनिट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर केबल आ गया अपना, दोनों केबल आ गया इंटरनेट का और छत्ता का, और इसको क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली रोल कर लेते हैं, ठीक है। और आपको चलो छत पे हमारे लड़के लोग डाले कि नहीं देखते हैं, इसका वायर छत पे जाएगा और एक जो है जो हमारा राउटर लगेगा राउटर के पास जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले टेप लगा लेते हैं उसके बाद। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जितना भी वायर था ये चले गया कहाँ पर, ये गया डायरेक्ट छत पे, ठीक है। तो चलो अभी राउटर जहाँ सेटअप किए हैं उस जगह पर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर और क्या है, ये हमारा केट 6 है, ये राउटर लोग के लिए, और आप देख सकते हो कितने वायर हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको चलो दिखाता हूँ वायर कितने पीस है, गिनती करवा देते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 है यहाँ पर। तो ये 5 कहाँ से आ रहा होगा आप सोच रहे होंगे, सबसे पहले आपको बता देता हूँ होल का है 1, उसके बाद रूम 3 का, उसके बाद रूम 2 का, रूम 1 का, तो टोटल 5 हो गए यहाँ पर, बोल रहे हो 5 4 हो रहा है ना। तो एक आपको बता देता हूँ यहाँ पर लाइन आया है जो फर्स्ट फ्लोर से हमारा जो है यहाँ से इनपुट जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी ये राउटर लगा सकते हैं क्योंकि इसका रेंज जो हम लोग को बढ़ाना रहता है ना, तो 2 जगह हम लोग सेटअप कर रहे हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे एक फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो इसका जो है मेन राउटर कहाँ बैठेंगे वो हम लोग कभी भी डिसाइड नहीं हुआ है, जिस दिन डिसाइड होगा उस दिन कहीं से भी हम लोग को इसका जो फाइबर केबल लेके आना पड़ेगा, फाइबर केबल जो हमारे राउटर पे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको भी रोल कर लेते हैं और यहाँ पर सेटअप रहेगा ऊपर में। तो देखिए दोस्तों अभी हमारे पास ये कौन सा केबल है आप सोच रहे होंगे ना, तो चलो आपको बता ही देता हूँ, ये हमारा फाइबर केबल है जो हम लोग वाईफाई पे यूज किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो है ऑक्टिवल्स वायर रहता है यहाँ पर 2 कोड का है, आप भी देखिए, एक ब्लू कलर का एक वाइट कलर का, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, काफ़ी बारीकी से रहता है जैसे बाल है ना हमारा,
तो ये उस तरीके से पतला रहता है। और इसको क्या करना है, इसको अंडरग्राउंड करना है, ठीक है। तो सभी जो हमारा किट सिक्स लाइन केवल तो अंदर डाल दिए, और हमारा जो छत पे चले गया, चलो आपको बाद में दिखा दूंगा छत पे कौन सा वायर गया है, जो हमारे सेटअप बॉक्स लोग का जितना भी वायर है छत पे गया है। और ये जो है किट सिक्स वायर को ये भी हम लोग बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल पॉइंट में नहीं जाएगा, ये पर्सनल जाएगा, और ये वाईफाई वाले को आपको मांग लेना है, आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाले को हम लोग को डालना है, यहाँ से डायरेक्ट अपने को लेके जाना है बाहर। तो चलो उसका काम कर लेते हैं फाइनल, उसके बाद आपको देखेंगे कहाँ कहाँ हमारा जितना भी कनेक्शन है इकला हुआ है, और छत पे कितना पॉइंट लेके गए हम लोग जो डेस्क के लिए। तो देखिए अभी केबल को हम लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर तेज गया ऊपर, और ये जाएगा डायरेक्ट जहाँ पर हमारे जो किट सिक्स केबल है जितना भी वायर, ठीक है। एक एक करके इसको खोल लेते हैं ऐसा, नहीं तो ये फंसेगा। ये क्या होता है आपको बता देता हूँ, ये फाइबर केबल ऐसा मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा पूरा सीधा फ्लैट रहना चाहिए ऐसा, नहीं तो बेंड ऐसा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलो इसको अंदर करते हैं और बाकी को रोल करके रख देंगे, बचेगा तो। पहुँच गया क्या? तो आप देखिए वहाँ पर हमारा जो है पहुँच चुका है, आप जाइए वहाँ पर देखिए, वो पूरा नीचे तक हम लोग को मेजरमेंट लेना है, लंबे रखना है, क्योंकि ये जॉइंट होता है बार बार कटिंग होते रहता है, तो हम लोग को क्या करना है इसको लंबे रखना है, ठीक है। नीचे तक जाने दे और आने दे, बस बस, और हल्का सा, ठीक है, बस बस। तो देखिए यहाँ पर जितना भी वायर है नीचे देखा, ये नीचे ये देखिए कितना लंबा है, जमीन से करीब 1-2 मीटर और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये काम पूरा कंप्लीट हुआ, अभी देखिए रोल ऐसा रखें, और इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर हैंगिंग कर देते हैं, ठीक है, हल्का सा बच रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग लटका दिए जिस जगह पे, आप देखिए ये क्या होगा, बाहर तरफ हमारा जो है केबल अंदर इनकमिंग होगा, उसके बाद इधर से अंदर जाके हमारे राउटर पे आ जाएगा। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये केबल आ गया, ठीक है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये केबल अंडरग्राउंड हो गया कंप्लीट। तो चलो छत पे आपको दिखाता हूँ जो हमारा डिस्क का वायर है ना कितने सारा ऊपर गया है। तो देखिए एक और वायर आपको दिखा देता हूँ, ये कहाँ का है, फर्स्ट फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर का ये हमारा लाइन इन है, जो फर्स्ट फ्लोर का आपको दिखा एक वायर एक्स्ट्रा जा रहा था, ये इसका कहाँ जाएगा चलो आपको दिखाता हूँ। और देखिए यहाँ पर जितना भी वायर था ये अंडरग्राउंड हो गया, कैमरा मैन यहाँ पर फोकस करें, यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ पर पूरा अंदर चले गया और ये फर्स्ट फ्लोर से छत पे गया। तो चलो इधर आइए आपको दिखाते हैं हॉल पे। तो देखिए यहाँ पर हॉल पे एक और सेटअप है, यहाँ पर एक राउटर भी बैठा सकते हैं अपन, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग को मेन लाइन लेके आना है इसके लिए। तो कहाँ पर अभी प्लान होगा उसके बाद हम लोग कर लेंगे, ठीक है, चलो छत पे लेके चलते हैं आप। तो छत पे हमारा जो केबल है, चलो आपको दिखाता हूँ केबल कहाँ है। देखिए जितना भी केबल था हम लोग ले आए यहाँ पर, आप देख सकते हो टोटल अभी हमारा ग्राउंड फ्लोर का है, टोटल यहाँ पर 4 आया, ठीक है, 4 जगह के 4 हुआ, 2-2 केबल आया है। और उसके बाद आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो केबल है ना, ये 4 केबल है एक्स्ट्रा लेके आए ये करीब, उसके बाद अभी और आएगा फर्स्ट फ्लोर का। तो इस तरीके से प्लान किया जाता है, तो ऐसे ही हम लोग जो है फर्स्ट फ्लोर का भी करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा ग्राउंड फ्लोर का हुआ ऐसे फर्स्ट फ्लोर का भी करेंगे। और यहीं पर दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आपको पता चल गया किस तरीके से हम लोग छत पे ना हमारा जो केबल है पूरा अंडरग्राउंड करके लेके आते हैं, ऐसा बाहर तरफ से झुला के नहीं लाते हैं, ठीक है, तो जैसा कि ऑकवर्ड लगता है तो हम लोग इसका अंडरग्राउंड करते हैं। और इसका चार्जेस भी पैसा लेते हैं हम लोग, इंटरनेट का जो केबल है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसका प्राइस क्या रहता है, तो मैंने आपको बता देता हूँ, जिसके यहाँ हमारा जो है 3 से 4 TV हमारा कनेक्शन रहता है लाइन केबल का, किट सिक्स का रहता है ना, तो वहाँ पर हम लोग जो 2-3 केबल का तो 1,000 रुपया चार्ज ले लेते हैं जहाँ से राउटर से हमारा जो केबल था। और जिसके यहाँ ज़्यादा पॉइंट हो जाता है ना तो उसके हम लोग मीटर में पैसा अमाउंट लेते हैं, जो 30 रुपये हमारा मीटर रहता है, हम लोग 30 रुपये मीटर लेते हैं जो हमारा केबल रहता है। तो इसका डिस्क को जो आपको बता देता हूँ, ये तो फ्री में कॉस्ट में हो जाता है क्योंकि हम लोग स्क्वायर फीट में काम करते हैं, और जो हमारा फाइबर केबल है और इंटरनेट का केबल है उसका हम लोग चार्जेस अलग लेते हैं, ठीक है, तो उसका चार्जेस 30 से 40 रुपये हम लोग काम के हिसाब से ले लेते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको पता चल गया किस तरीके से हम लोग इंटरनेट का केबल और RJ
RJ6 जो हम लोग डाले कैसे डाले पूरा अंडरग्राउंड, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसा रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोगन्नाथ।